नमस्कार दोस्तों, जब हम एक्सेल सीट कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ फार्मूले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमें ऑडिटिंग का पता होना चाहिए कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम कैसे पकड़ेंगे। मान लो कि हमने बड़ा कम्प्लेक्स फंक्शन बना रहे हैं, हम फंक्शन की हायरार्की फॉलो कर रहे हैं और कहीं पर कोई एरर आ जाता है, तो हमें उसको बैक ट्रेस करना होगा कि वो कहाँ पर एरर आया है। उसके लिए हमें सीखना होगा कि ट्रेस प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, ट्रेस डिपेंडेंट कैसे काम करता है, एवेल्यूएट फार्मूला कैसे काम करता है और एरर चेकिंग कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। तो कार की परचेज वैल्यू 5 लाख है, हमने लोन अमाउंट जो है 4 लाख लिया हुआ है, जो लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है, टेन्योर 60 मंथ का है, और यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे कुछ मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट हो रहे हैं, सैलरी कितनी है, कितनी मंथली कॉस्ट पड़ रही है हमें कार की और सेविंग कितनी हुई है, ये पूरे का पूरे एक्सेल में हमने डिज़ाइन करा हुआ है। अगर हमें फार्मूला का ऑडिट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, फार्मूले के टैब में जाना होगा। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला ऑडिटिंग के टूल्स, तो ये है ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरो, शो फार्मूला, एरर चेकिंग, एवेल्यूएट फार्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे ईएमआई पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे शो फार्मूला करूँ तो ये बता देगा कि क्या फार्मूला यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। हम इसको क्लिक करके फिर टॉगल बैक कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि ट्रेस प्रेसिडेंट कैसे काम करता है। तो मैंने कार कोस्ट मंथली को क्लिक करा और ट्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करा, तो देखिए ये डायरेक्टली बता देगा कि आप कहाँ से लिंक हो। अगर आप इसको फिर क्लिक करोगे जी, आपको और बैक लेना स्टार्ट कर देगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। अब ये एरो शो करेंगे कि ये जो फार्मूला है ये कहाँ से आ रहा है। अब हम करते हैं रिमूव एरो। अब हम देखेंगे ये जो कार कॉस्ट है मंथली, इसके फर्दर कितने डिपेंडेंट है कि आगे ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो हम क्लिक करेंगे ट्रेस डिपेंडेंट के ऊपर, तो आगे ये एक कॉलम के ऊपर यूज़ हो रहा है। तो देखिए ये कितना हेल्पफुल है कि आपका जो फार्मूले से जो वैल्यू आ रही है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है और फर्दर वो वैल्यू कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो आगे मैं फर्दर देख लेता हूँ कि एरर चेकिंग कैसे करते हैं। मान लो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ टेक्स्ट में, ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू में एरर आ गए। तो अगर मैंने देखना होगा कि ये ईएमआई में कहाँ पे एरर है, तो मैं एरर चेकिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके एरर चेकिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये एक डायलॉग बॉक्स देगा जिसमें लिखा होगा हेल्प ऑन दिस एरर, शो कैलकुलेशन स्टेप्स, इग्नोर एडिट बार फार्मूला। तो हेल्प ऑन दिस एरर ये तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे लेके जाएगा। अगर मैं कैलकुलेशन स्टेप देखूँ तो ये एक मतलब कैलकुलेशन दिखा देगा। देखिए यहाँ पे सीधा शो कर रहा है कि पीएमटी फार्मूला में ए लिखा हुआ, ए को डिवाइडेड बाय 12 हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसको एवेल्यूएट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे ही आपका एरर है। तो ये आपको दिखा रहा है एरर कहाँ पे है। तो ये तो हो गया करना, एरर चेकिंग कैसे करनी है। तो मैं इसको फिर बैक लिख देता हूँ 9%, तो ये वैल्यू ठीक हो गई। अब मैं दिखाता हूँ कि इवेल्यूएट फार्मूले का क्या मतलब होता है। देखिए मैं इसको क्लिक करके इवेल्यूएट फार्मूला के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि ये फार्मूला कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले फार्मूला आ गया, अब देखिए ये फार्मूला फर्स्ट जो है उसको आर्गूमेंट को कैलकुलेट कर रहा है, देन उसकी वैल्यू, देन नेक्स्ट वाला, देन नेक्स्ट वाला, देन नेक्स्ट और देन नेक्स्ट। मैंने पीएमटी फार्मूला के आगे माइनस लिखा हुआ है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है कि ईएमआई को आउटगो दिखा के माइनस में लेता है, तो मैंने उसको प्लस करने के लिए उसके आगे माइनस लिखा हुआ है। तो देखिए एवेल्यूएट फार्मूले से आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि आपका फार्मूला कैसे काम कर रहा है। मान लो आपने कोई फार्मूला इंप्लीमेंट करा है और आप देखना चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप ठीक चल रहा है, तो आप इससे देख सकते हो। तो ये है फार्मूला ऑडिटिंग के तरीके, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जब आप कम्प्लेक्स एक्सेल शीट बनाओगे तो अगर आपका कहीं पे एरर आ जाएगा तो आपको चेक करने में आसानी देगी, ये आपको जरूर सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।